अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद फिर एक नए सफ़र में मेरे साथ, जो कि कराची से ठट्टा तक का सफ़र है। हम कराची से 5 बजे ठट्टा के लिए निकले हैं और ये 2 घंटे का सफ़र है। ठट्टा हम अजीम मुकाम की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ठट्टा हम रात 7 बजे पहुँचे हैं और वज़ीर मुकाम, जिनका ज़िक्र मैंने आपसे अब तक नहीं किया, वज़ीर मुकाम हज़रत शाह की का मज़ार है। हमारी बस कुछ दूर के फासले पे ही रुक गई। यहाँ से हमें पैदल सफ़र करना था मज़ार तक। बीच में कुछ दुकानें भी हैं जो मज़ार की चादरें चढ़ाने का सामान रखी हुई हैं। फिर हम एक दुकान पे रुके और यहाँ से हमने चादरें ली जो कि मज़ार पे हमने चढ़ानी थी। हमने चादरें खरीदी और चादर लेकर हम पहुँच गए मज़ार पे। आए आज हम जानते हैं शाह अकीक कौन है, आखिर हम शाह अकीक के मज़ार क्यों आए हैं। शाह अकीक एक सर्जन है। कहते हैं कोई बीमार अगर यहाँ आ जाए तो उसे शिफा नसीब होती है। शाह अकीक ख्वाब में आकर इलाज करते हैं। यहाँ रात में रुकना ज़रूरी है। अब हम मज़ार पे आ गए और अंदर जाते ही बहुत से लोग सहने खाना में ही नज़र आएंगे, जो बहुत सी बीमारियां लेकर आए हुए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम भी यहाँ अपने अपने मसले लेकर आए हैं। जिनको कोई बीमारी है वो बीमारी का सुनकर यहाँ आए हैं। आए हम अंदर की ज़ियारत करते हैं और दुआ करते हैं जो जो बीमार है आपके दर पर आए हैं, जब वो वापस आएँ तो शिफायाब हों। इसके बाद शाह अकीक के मज़ार के आगे ही कुछ फासले पे शाह बुखारी का मज़ार है। आगे हम उनके दर पे भी जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।